बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद वजाहत खान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं, ताकि न्यू कमर्स को बाहर के ममालिक में आने जाने और वहां पर ज़िंदगी गुजारने की मालूमात फराहम कर सकूँ और उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो। वेल फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पॉन्सर्ड बिजनेस विजिटर शॉर्ट स्टे वीज़ा सब क्लास 459 के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े के कंटेंट्स बता दूं जिनका जिक्र मैं आप लोगों से करने वाला हूं, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब आते हैं फीचर्स एंड बेनिफिट्स। इस वीज़े के तहत एक्सपीरियंस्ड बिजनेस पर्सनस ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं शॉर्ट बिजनेस, मसलन कॉन्फ्रेंसेस पर जाना, नेगोशिएटिंग या मीटिंग पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं कर सकते। इस पर आप बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार्स, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंसेस या नेटवर्किंग पर ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट विजिट स्टे कर सकते हैं कम से कम 3 माह के लिए, भले आपको एक विजिट या सिंगल विजिट मिली हो। काम नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं है, जबकि कुछ काम करने की इजाज़त होगी, मसलन जिस पर्पज़ पर गए हैं सिर्फ वही काम कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा नो फर्दर स्टे पर मिला है तो किसी और वीज़े के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस के अलावा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो से मुतालिक अगर कोई जो मैंने आपसे ज़िक्र नहीं किया हो इस वीडियो में और आपके जहन में सवाल आया है, तो बिला हिचकिचाहट यानी हेसिटेट के कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आपके लाइक का, सब्सक्रिप्शन का, नोटिफिकेशन का और कमेंट का मैं मुंतज़िर रहूँगा। दोबारा मिलता हूँ अगली बार नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।